हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गया मूवी को, जो कि एक साउथ अफ्रीकन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर एक ऐसा फंगस होता है, अगर वो गलती से इंसान के अंदर चला जाए तो इंसान धीरे धीरे एक पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 5.6 out of 10 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें साउथ अफ्रीका के घने जंगल को दिखाया जाता है और जंगलों के बीच में एक नदी होती है जिसके अंदर दो रेंजर अपना काम कर रहे होते हैं, जिसमें एक रेंजर का नाम गैबी होता है और दूसरे रेंजर का नाम विक्सटन होता है। गैबी यहाँ पर अपने ड्रोन को उड़ाकर जंगलों का परीक्षण कर रही होती है, तभी उसके ड्रोन के आगे एक आदिवासी आ जाता है जो उस ड्रोन को पकड़कर अपने पास रख लेता है। तो गैबी जंगल में अपने ड्रोन को ढूंढने का डिसाइड करती है, हालांकि विक्सटन उसे अकेले जाने से मना करता है, लेकिन गैबी उसकी बातों को नहीं मानती है और अकेले ही चली जाती है। फिर हम जंगल के अंदर दो आदिवासी को देखते हैं जो कि लगाए हुए कैमरों पर मिट्टी लगा रहे होते हैं, साथ ही वो अपना शिकार करने के लिए यहाँ पर ट्रैप लगा रहे होते हैं। दूसरी तरफ विंगस्टन सारे कैमरे के SD कार्ड को बदल रहा होता है, तो वो देखता है कि कैमरे के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, जिसे वो सोच में पड़ जाता है कि भला यहाँ पर कौन ऐसा कर सकता है, जबकि ये काम उन आदिवासियों का ही होता है। फिर गैबी अपने ड्रोन को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है, तभी वह उन आदिवासी के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाती है, जिसमें कि एक लकड़ी उसके पैर के आर पार कर देती है, जिसके वजह से उसे बहुत ही दर्द होने लगता है और गैबी तुरंत मदद के लिए वॉकी टॉकी पर विंस्टन को बोलती है, लेकिन विंस्टन तो अपना वॉकी टॉकी नाव पर ही भूल गया होता है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। थोड़ी देर बाद ही विंस्टन को गैबी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, तो वह तुरंत ही नाव की तरफ भागता है, लेकिन हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है क्योंकि वॉकी टॉकी पानी के अंदर चला जाता है, जिससे उसे गैबी का लोकेशन नहीं मिल पाता है और देखते ही देखते यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। फिर भी विंस्टन गैबी को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है, तभी उसे वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इधर गैबी जख्मी हालत में आगे बढ़ती है तो उसे जंगलों के बीच में एक घर दिखता है जिसके अंदर कोई भी नहीं होता है, तो गैबी यहाँ पर लेटकर आराम करने लगती है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर वही दोनों आदिवासी आते हैं जिनका वो घर होता है, तो दोनों गैबी को डराकर पूछने लगते हैं कि वो कितने लोग हैं। तो गैबी उसे बताती है कि वो दो हैं और गैबी काफी जख्मी होती है, इसलिए दोनों आदिवासी उसकी हेल्प करने लगते हैं। इधर हम विंस्टन को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ होता है और वो डरकर एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस पेड़ की जड़ें उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं। इधर हम गैबी को देखते हैं जहां पर वो दोनों आदिवासी बाप बेटे होते हैं, जिसमें बाप का नाम ब्रांडन होता है और बेटे का नाम स्टीफन होता है, और वो दोनों गैबी को खाने के लिए खाना देते हैं जिसके अंदर मांस और कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं। तो गैबी इस खाने को नहीं खाती है और पूछती है कि उसने जंगल में कुछ अजीब सा क्रिएचर देखा था जिसकी बॉडी इंसान की तरह होती है लेकिन उसका सर एक पेड़ की तरह होता है, लेकिन उसकी बातों पर ब्रांडन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है, जिसके बाद तीनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह स्टीफन गैबी का बैंडेज कर रहा होता है तो वह उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन देखकर पिघलने लगता है, तभी गैबी के हाथों पर कुछ पेड़ पौधे उगने लगते हैं जैसे कि मशरूम हो। तभी अचानक से गैबी की नींद खुल जाती है और यह सब उसका एक नाइटमेयर होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही वॉकी टॉकी पर विंस्टन को कॉल करने लगती है, तो विंस्टन काफी घबराया हुआ होता है, साथ ही काफी डरा हुआ होता है और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। इसके बाद जंगल में वो दोनों आदिवासी एक शिकार करते हैं और अपने शिकार के ब्लड से वहाँ पर कुछ अजीब सा रिचुअल करते हैं। घर के अंदर गैबी अपने लोकेशन देने के लिए वहाँ पर आग लगाकर धुआं करती है। इसी दौरान गैबी को वहाँ पर फ्लोर के नीचे एक औरत की तस्वीर मिलती है, जिसे देखने के बाद वो उसे वहीं पर रख देती है। तभी वहाँ पर वही दोनों आदिवासी आ जाते हैं जो सबसे पहले आग को बुझा देते हैं और कहते हैं कि हम दिन में आग नहीं लगा सकते हैं। रात को गैबी उनके बारे में पूछने लगती है तो ब्रांडन बताता है कि वह एक साइंटिस्ट था जो पेड़ों पौधे के बारे में रिसर्च कर रहा था और उसकी पत्नी के नाम लिली था जो कि एक केमिकल इंजीनियर थी, लेकिन केमिकल के चलते उसे एक गंभीर बीमारी हो गई और वो धीरे धीरे मरने लगी, और लिली अपने आखिरी वक्त में वहां जाना चाहती थी जहां पर उन्होंने अपना हनीमून मनाया था, जहां पर स्टीफन उसके गर्भ में आया था, तो उन्होंने उसके आखिरी वक्त पर यहां लेकर आए और उन्हें यहां आने के बाद भगवान नजर आए थे। तभी स्टीफन गैबी को एक लॉकेट बना कर देता है, इसे गैबी पहन लेती है। अगली सुबह हम विंस्टन को देखते हैं
जो कि एक पेड़ के पास बैठा होता है और उसके पूरे शरीर पर कुछ पेड़ पौधे साथ ही फूल पत्तियां भी उगाई होती है। रात को सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी इनके घर के बाहर कुछ अजीब से क्रिएचर आ जाते हैं जो घर के दरवाजे को तोड़कर सीधा अंदर चले आते हैं। और ये क्रिएचर देख नहीं सकते हैं, लेकिन इनके सुनने की सेंसेस काफी तगड़ी होती है। तभी गैबी के पास कुछ पेड़ की टहनियां आने लगती है, जिसकी वजह से गैबी डर कर चिल्ला देती है, तो वह क्रिएचर उसकी आवाज को फॉलो करके उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ब्रांडन और स्टीफन उस क्रिएचर को मारकर घायल कर देते हैं, जिसकी वजह से वह क्रिएचर काफी जख्मी हो जाता है और वहां से बाहर भाग जाता है। लेकिन उस क्रिएचर का सारा ब्लड गैबी के ऊपर गिर गया होता है, तो स्टीफन गैबी के सारे कपड़ों को उतार देता है और उसके ऊपर से सारे ब्लड को साफ करने लगता है और उसके सारे कपड़ों को जला देता है। जिसके बाद ब्रांडन उसे बताता है कि उन क्रिएचर में से कुछ फंगस निकलते हैं जो सीधे शरीर के अंदर चले जाते हैं। वह सबसे पहले फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर वह धीरे धीरे शरीर के सारे ऑर्गन को डैमेज कर देते हैं और उन्हें एक पेड़ में बदल देते हैं। अगली सुबह गैबी स्टीफन के साथ होती है, जिसे वो अपना मोबाइल फोन दिखा रही होती है। तभी वहाँ पर ब्रांडन आ जाता है, जो सीधे उस मोबाइल को तोड़ देता है और कहता है कि ये उनके लिए काफी खतरनाक है। जिसके बाद ब्रांडन स्टीफन को लेकर जंगल में चला जाता है, जहाँ पर वो एक पेड़ के पास पहुँचते हैं और यहाँ पर ब्रांडन एक मांस के टुकड़े पर रखकर उस पर अपना कुछ खून की बूंदे गिराता है, तो उस पेड़ के अंदर से कुछ मशरूम जैसी चीजें उन्हें मिलती है। इसे ब्रांडन खा लेता है और स्टीफन को भी खिला देता है। इधर घर के अंदर गैबी को एक डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि जब इंसान बंदर के रूप में था तब उसे यहाँ पर खाने पीने की कमी थी, लेकिन उन्हें जीने के लिए सहारा इन पेड़ों ने ही दिया था। तभी वो दोनों आदिवासी घर के अंदर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि गैबी के शरीर पे वही फंगस उग रहे हैं, जिसका मतलब साफ होता है कि अब वो भी उन क्रिएचर के जैसी बन जाएगी। और इस बात से स्टीफन काफी परेशान हो जाता है, जिसके बाद ब्रांडन गैबी को कहता है कि तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है और ब्रांडन गैबी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। तो रास्ते में गैबी पूछती है कि इस जंगल में बहुत सारे फंगस है, तो तुम लोग यहाँ पर कैसे सेफली रहते हो और वो फंगस तुम्हें कैसे नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। जिस पर ब्रांडन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है और आगे चला जाता है। जंगल के अंदर जाने के बाद गैबी अपने लगाए हुए कैमरों में से अपने एसडी कार्ड को निकाल लेती है और उसे आगे बढ़ने पर विंस्टन की टॉर्च मिलती है, जिसे देखने के बाद वो विंस्टन को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है और उसके पीछे ब्रांडन भी चला जाता है। गैबी आगे जाकर देखती है कि विंस्टन के पूरे शरीर पर पेड़ पौधे उग गए हैं, फिर भी विंस्टन अभी जीवित होता है, जो गैबी से खुद को मारने के लिए कहता है। लेकिन गैबी के अंदर उसे मारने की हिम्मत नहीं होती है, तो विंस्टन वहां पर खुद को ही एक एरो की मदद से मार लेता है। तभी वहां पर वही क्रिएचर आने लगते हैं, तो दोनों जल्दी से भागकर वापस उसी घर में चले आते हैं। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि गैबी के पैरों पर भी वही फंगस उगने लगते हैं, जिसे परेशान होकर गैबी ब्रांडन से पूछती है कि तुम्हारे पास इसका इलाज है। लेकिन ब्रांडन उसकी बातों पर जवाब नहीं देता है और घर से बाहर चला जाता है प्रार्थना करने के लिए, जहां पर वो उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है और अपना रिचुअल करने लगता है और अपना खून देकर मशरूम मांगता है। लेकिन इस बार वह पेड़ उसे कोई भी मशरूम नहीं देता है, बल्कि वह पेड़ और भी गुस्से में होता है। इधर गैबी स्टीफन से उसके माँ के बारे में पूछने लगती है, तो स्टीफन उसे बताता है कि उसकी माँ अभी जीवित है, जो कि इस जंगल में ही रहती है, जिसे सुनकर गैबी हैरान हो जाती है। अगली सुबह फिर से दोनों उसी पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपना रिचुअल करते हैं, जिसमें कि ब्रांडन को फिर से वही मशरूम मिलता है, जिससे वो खा लेता है और स्टीफन को भी खिला देता है। लेकिन स्टीफन उस मशरूम को खाता नहीं है और वो जल्दी से आकर उस मशरूम को गैबी को खिला देता है, जिसके खाने के बाद गैबी के फंगस पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ब्रांडन भी आ जाता है, जो गैबी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, तो गैबी यहाँ से जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। अगले दिन स्टीफन गैबी को लेकर उसी पेड़ के पास जाता है और बताता है कि यही उसकी माँ है, जो इन्फेक्शन के बाद एक पेड़ में बदल चुकी है और इसे ये लोग अपना खून देकर रिचुअल करते हैं। तो यह पेड़ उन्हें फंगस से लड़ने के लिए कुछ मशरूम को देता है। फिर दोनों घर वापस आते हैं, जहां पर गैबी अपने मोबाइल को ठीक कर लेती है, जिसके अंदर वो कैमरे के एसडी कार्ड को डाल देती है और वो उस रिकॉर्डिंग को देखने लगती है, जिसमें वो एक रिकॉर्डिंग के अंदर ब्रांडन को देखती है। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद विंस्टन के हालत के पीछे ब्रांडन का ही हाथ है, तो वो तुरंत ही इस बारे में ब्रांडन से पूछने लगती है। तो ब्रांडन उसे बताता है कि इंसानों ने सब कुछ खत्म कर दिया है और इंसान अपने सुविधा के लिए सारे पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं,
लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यही पेड़ पौधे उन्हें जिंदा रखने में मदद करते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी पेड़ पौधों को काटना नहीं छोड़ा है, लेकिन जल्दी ये पेड़ पौधे अपनी जगह वापस फिर से पा लेंगे। जिस पर गैबी कहते हैं कि उसे इस बात पर विश्वास नहीं है, अगर ऐसा है तो उसे ये सब दिखाओ। जिसके बाद उसे विश्वास दिलाने के लिए दोनों बाप बेटे गैबी के ऊपर एक अजीब सा रिचुअल करते हैं, जिसमें कि गैबी धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। जिसके बाद गैबी होश में आती है तो वह उस पेड़ के पास होती है। यहाँ पर वो पेड़ उसे कुछ विजन दिखाते हैं और गैबी यहीं पर स्टीफन के साथ इंटीमेट भी होती है। जिसके बाद यहाँ पर गैबी देखती है कि ब्रांडन पेड़ों के जड़ों में फंसा हुआ है और उसके साथ ही स्टीफन के मुंह के अंदर एक एरो घुसा हुआ है और उनके साथ ही गैबी के आंखों से ब्लड निकलने लगता है। तभी अचानक से ही गैबी की आँख खुल जाती है तो उसे पता चलता है कि स्टीफन अब मरने वाला है। फिर रात के समय ब्रांडन उस पेड़ के पास जाकर अपना रिचुअल करने लगता है और घर पर गैबी स्टीफन से कहती है कि उसकी जान को यहाँ पर खतरा है तो उसे यहाँ से गैबी के साथ निकल जाना चाहिए। जिसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने ब्रांडन भी आ जाता है जो उन्हें रोक लेता है और स्टीफन को गैबी के प्रति काफी भड़काने लगता है, जिसके वजह से स्टीफन उसके साइड हो जाता है। तो ब्रांडन स्टीफन को लेकर घर वापस चला जाता है और यहाँ से गैबी अपने घर के लिए अकेले जाने लगती है। लेकिन उसे स्टीफन की चिंता होने लगती है क्योंकि गैबी ने स्टीफन की मौत का विजन पहले ही देख लिया है, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो वापस उस घर में चली जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तो गैबी यहाँ पर तीर धनुष को उठा लेती है और स्टीफन को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। फिर हम ब्रांडन को देखते हैं जो स्टीफन को लेकर उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ पर ब्रांडन उसकी बलि देने वाला होता है, लेकिन इस बारे में स्टीफन को पता नहीं होता है और गैबी भी उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी गैबी को रास्ते में वही क्रिएचर दिखने लगते हैं तो गैबी उनसे बचकर किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इधर ब्रांडन स्टीफन की बलि देने वाला होता है और उस पेड़ की शाखाएं स्टीफन को जकड़ी होती है। तभी वहाँ पर गैबी पहुँच जाती है जो ब्रांडन के पैर में एक एरो को मार देती है, जिसके वजह से ब्रांडन को काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत ही गैबी को मारने लगता है और यहाँ पर गैबी मरने वाली ही होती है। तभी ब्रांडन के पीठ पर स्टीफन एक नाइफ से स्टैब कर देता है और वो अपने पिता को मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर वही क्रिएचर आने लगते हैं तो स्टीफन गैबी वहाँ से भागकर अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह हम ब्रांडन को देखते हैं जिसके पूरे शरीर पर अब वही पेड़ पौधे उग रहे होते हैं। तो ब्रांडन अपना खून देकर उस पेड़ से अपने लिए मशरूम मांगता है, लेकिन वो पेड़ इस बार उसे मशरूम नहीं देता है, जिसके वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। फिर हम गैबी को उस घर के अंदर देखते हैं जो उस डायरी को पढ़ रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि मानव जाति अब खुद को नष्ट करने के लिए तैयार है, जिसके लिए उसे बस एक धक्के की जरूरत है। फिर गैबी स्टीफन के पास जाकर सो जाती है, जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैबी के शरीर पे वही सारे पेड़ पौधे उग रहे होते हैं, जिसके वजह से गैबी स्टीफन को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है और उसे बताती है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, उसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, उसे बाहर जाकर देखना चाहिए। लेकिन स्टीफन उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन गैबी के बार बार कहने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद स्टीफन शहर के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाता है और वहाँ से खाना खाने के बाद चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उसके प्लेट के अंदर वही फंगस उगने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब ये फंगस धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाएंगे और ब्रांडन की कही हुई बात सच हो जाएगी कि ये पेड़ पौधे अपनी जगह फिर से वापस ले लेंगे। इसीलिए ब्रांडन उसकी बलि दे रहा होता है क्योंकि वह जानता था कि स्टीफन शहर गया तो ये फंगस पूरे शहर में फैल जाएगा और मानव जाति का विनाश हो जाएगा। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि गैबी भी इसीलिए इन्फेक्टेड हुई थी क्योंकि उसने स्टीफन के साथ रात बिताया था। और इसी के साथ ही इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।